सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। और गाइज क्रिप्टोग्राफी के सीरीज़ में आज हम लोग सीजर साइफर के एक और प्रॉब्लम को देखने वाले हैं और यहाँ पे एक और बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल लेके और देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली गाइज अगर आप इस कम्प्लीट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो लास्ट वीडियो में हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया था, दैट्स वाई मैंने एक और अनदर एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ को आप इग्नोर करना और इस वीडियो से समझना। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। और गाइज बेसिकली मैं यहाँ जो प्लेन टेक्स्ट ले रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत बर्ड ले रहा हूँ जो कि इंजीनियर्स का सबसे फेवरेट बर्ड होता है। ठीक है, चूतिया। बड़े हरामी हो बेटा। ठीक है, उसी का एग्जांपल लेके मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट आपका चूतिया दिया हुआ है। ठीक है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है, की दिया हुआ, की कितना 4 दिया हुआ है, इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लेट्स इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर सीजे साइफर के लिए जो हम लोग अलगोरिदम यूज करते हैं वो सी इक्वल टू ई और पी के का कॉम्बिनेशन इक्वल टू पी प्लस के मॉड 26 यूज करते हैं। ये आपका अलगोरिदम सीजे साइफर के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेबल ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको देख देख के आपको करना है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला वर्ड है यानी ई ई और सी का, सी और के का करने वाले हैं। ठीक है, सी चूतिया, सी में पहला वर्ड चुटिया में सी आता है, तो सी का न्यूमेरिक कितना हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 4 यानी 6, मॉड 26 करेंगे तो 6 ही आएगा। तो इसी तरीके से ई और एच का करो, एच और के का, तो एच का कितना है, एच का यहाँ पे देखो 7 प्लस 4 इक्वल टू 11, तो मॉड 26 करेंगे तो 11 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे सेम तरीके से एच और यू का करेंगे, यू के, तो यू को कितना मिला है, यू का 20 मिला है, तो 20 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे देख लो 24 आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप करते जाओ। यू हो गया टी, टी और के का करेंगे तो टी और के, तो टी को कितना मिला है, टी को गाइस 19 मिला है, 19 प्लस 4 करेंगे तो 23, 23 का मॉड 26 करेंगे तो 23 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ई और टी हो गया, आई को करेंगे, आई और के का, तो आई और के का करेंगे तो आई का वैल्यू कितना है, 8 प्लस 4, दैट मीन्स 12, मॉड 26 करेंगे तो 12 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ई और आई, आई हो गया, ठीक है, वाई और के, तो वाई का यहाँ वैल्यू जो है वो आप देख लो टेबल में, तो वाई का 24 हो जाएगा, 24 प्लस 4 यानी ये तो वैल्यू आ जाएगा आपका 28, मॉड 26। अब यहाँ पे गाइस 20 मॉड करना पड़ेगा यानी रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल एकदम बेसिक्स टू क्लास वाला करते हैं बात, रिमाइंडर निकालते हैं। तो 26 को 28 को 26 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा ये 26। ठीक है, ये रिमाइंडर 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होएगा रिमाइंडर हमारा मॉड करने के बाद वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ई और फिर बाई हो गया, और ए, ए और के का, ए और के साथ, ए को के साथ इनक्रिप्ट करेंगे यानी ए का वैल्यू 0 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जो है वो लिख दो, यानी 4 को क्या करेंगे, नॉर्मल सॉरी 6 यहाँ पे है तो 6 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, जी। इसी तरीके से 11, 11 एल, 24 देख लो, 24 वाई, 23 एक्स, 12, 12 आपका एम हो जाएगा। ठीक है, और 2 हो जाएगा बी, और 4 हो जाएगा आपका ई। ठीक है, तो आपका जो बेसिक फाइनल जो चूतिया का जो साइफर टेक्स्ट आया, यहाँ पे देख लो साइफर टेक्स्ट आया, GLYXMBRE, फाइनल ये आपका साइफर टेक्स्ट। सेम गाइज अगर इसको डिक्रिप्शन करना है तो एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, और बेसिक्स है इसका, अल्गोरिदम क्या होता है, P इक्वल टू P डिक्रिप्शन करते हैं, D और किसके साथ करते हैं, C और K के साथ। ठीक है, और मॉड 26 लगाते हैं, इक्वल टू यहाँ पे सी माइनस के मॉड 26 करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे, लाइक कि जी को वापस आपको कन्वर्ट करना है तो जी का कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, सी 6 6 माइनस की कितना 4 दिया हुआ है, 2 आ गया, तो 2 को कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, सी है, तो पहला वर्ड हमारा प्लेन टेक्स्ट सी आ गया। तो इसी तरीके से करके आपको प्लेन टेक्स्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं ईजिली। तो आई होप सो गाइज इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि सीजर साइफर कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। गाइज वीडियो अगर अच्छा लगता हो, अगर इस तरीके के वीडियो आप और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हैं तो,
और बाकी बेल आइकन वगैरह सब कुछ जानते ही हो यार तुम लोग, ठीक है, सारे कुछ कर लेना मेरे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ब्रूट फोर्स टेक्निक के बारे में जान सकते हैं कि कैसे इसका ड्रॉबैक है, कैसे इसको कोई भी अटैकर इसका प्लेन टेक्स्ट साइबर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। सो होप्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।